भोपाल के कमला पार्क इलाके में दो दिन पूर्व अतिक्रमण हटाने के नाम पर छोटे छोटे फल सब्जी विक्रेताओं को हटाने और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के विरोध में आज पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने कोतवाली थाने का घेराव किया। प्रदर्शन करने वाले कांग्रेसियों का कहना है कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर इन गरीबों को परेशान किया जा रहा है, साथ ही इन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि दो दिन पहले इसी कार्यवाही से नाराज होकर एक युवक टावर पर चढ़ गया था, जिसके खिलाफ भी पुलिस ने मामला दर्ज किया था और इसके भी विरोध में कांग्रेसियों ने पुलिस से मांग की है कि इन सभी के ऊपर से आपराधिक प्रकरण जो दर्ज किए गए हैं वह न किए जाएं और इन्हें जगह पर अपना व्यवसाय करने दिया जाए, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल में 3 महीने से परेशान थे। अब जाकर लॉकडाउन खुला है तो पुलिस परेशान कर रही है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। देखिए, अभी सैटरडे संडे लॉकडाउन, उनका ठेला जो चिन्हित जगह की थी वहां पर खड़े हुए थे। पुलिस वालों ने, नगर निगम ने मिलकर उनके ऊपर झूठी कार्रवाई करी और उनको थाना कोतवाली लाया गया। वो SC ST के बंदे, उनको फट्टे के ऊपर बिठाया गया, ज़मीन के अंदर उनका इतना अपमान किया गया और उनके ऊपर 151 की झूठी कार्रवाई की है। हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर आए कि भाई उन्होंने जुर्म क्या किया है, आप उनको उठा के लेकर आए, उनके घरों से उठा के लेकर आइए। पुलिस की इतनी ज़्यादा पुलिस इतना अत्याचार कर रही है SC ST वालों के साथ, हम इनकी आवाज़ उठाएंगे। यदि उन ठेले वालों को पुलिस वालों ने उठाया या नगर निगम वालों ने हटाया, क्योंकि वो नगर निगम की जगह नहीं है, अगर है तो हमें दिखाए, कमिश्नर कलेक्टर साहब जो भी है उसके पेपर हों तो हमें दिखा दें वो। और कोतवाली के अंदर क्यों लेकर आए उनको, श्यामला हिल्स के अंदर क्यों नहीं लेकर आए? और फिर हम तो श्यामला हिल्स थाने के अंदर बैठे थे अपनी अर्जी देने और चुपचाप TI साहब ने श्यामला हिल्स के यहाँ पर भेजा और TI साहब के कहने पर ही ये सारी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने अभद्र व्यवहार किया हमारे साथ, अभद्र व्यवहार किया TI श्यामला हिल्स ने। ऐसे TI को हटना चाहिए, हम उग्र आंदोलन करेंगे अगर इन SC ST वालों को अब परेशान किया पुलिस ने या प्रशासन ने या नगर निगम ने। क्षेत्र से जो है 5 लोगों को उठा के लाया गया, ठेले वालों को उठा के लाया था कोतवाली में, क्या मामला था पूरा? देखिए, अभी परसों के दिन ये तय हुआ था, नगर निगम ने जो ठेले, नगर निगम ने और प्रशासन ने जो अनुमति दी लगाने की, वो नगर निगम ने हटा दिए और ठेले ले गए थे। वहाँ बातचीत हुई, कमिश्नर से बात हुई और जो भी अधिकारी बात हुई, पुलिस से बात हुई, ठेले वापस दे दिए गए थे और ये तय हुआ था कि वहाँ टेंट और कुर्सियाँ नहीं लगाएंगे, वैसे ठेले वाले खड़े रहेंगे। लेकिन आज जो पुलिस का कहना है कि आज फिर सैटरडे ऑफ रहता, फिर लगे थे और इसलिए कंट्रोवर्सी हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये ये श्यामला हिल का मामला है, कोतवाली में आने का कोई मकसद ही नहीं है। तो ये कुल मिला के एक जो छोटे छोटे दुकानदारों को दबाने की कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, शासन द्वारा की जा रही, इसकी मैं निंदा करता हूँ। आज कल लॉकडाउन है, कोरोना चल रहा है, 3 महीने दुकान और लोगों के कारोबार बंद थे। छोटे छोटे ठेले वाले जिनको कहा गया था कि 10,000 रुपये देंगे, एक पैसा किसी को मिला नहीं, और ऐसे में अतिक्रमण हटाओ के नाम पर कार्रवाई कर रहा, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जो कंसेप्ट है गरीबों की सहायता का, उसके खिलाफ है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।